Hi everyone, welcome to Theta Learning Point. In this video, we will discuss about differences between AC and DC. आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड डी अल्टरनेटिंग करंट एंड डी करंट डायरेक्ट करंट इन दोनों में डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ करंट सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि करंट क्या होता है सो करंट हमारे पास डिफाइन होता है एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और सिंपली करंट मतलब हमारे पास करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर में से चार्ज के फ्लो होने की रेट होती है मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी सो मैथेमेटिकल जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट का वो है डी क्यू अपॉन डी टी वेयर क्यू इज़ दी चार्ज मेजर्ड इन कुलम्स एंड टी इज़ दी टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स सो देयर फोर यहाँ पर हमारे पास जो करंट की जो यूनिट आती है वो चार्ज पर सेकेंड आती है जिसको ऐसा SI ही में एम्पियर कहा जाता है यानी हमारे जो करंट की ऐसा SI ही यूनिट है वो एम्पियर होती है सो so, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक करेंट अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट के बारे में सो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फ्लो इन अ सर्किट मतलब करंट की जो डायरेक्शन है और वो किस तरह से सर्किट में फ्लो करता है उसकी नेचर के बेस पर जो करंट होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट दो तरह के होते हैं तो दो तरह के करंट हमारे पास हैं पहला है अल्टरनेटिंग करंट एंड दूसरा है हमारे पास डीसी करंट डायरेक्ट करंट जिसे बोलते हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट जिसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं एंड डायरेक्ट करंट जिसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं अब इन्हीं दोनों करंट के बीच में हम डिफ्रेंशिएसन करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफ्रेंसेज हैं सो so, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो डिफाइंड है अ डायरेक्ट करंट इज़ वन विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड हुज़ मैग्नीट्यूड जनरली रिमेंस कॉन्स्टेंट विद टाइम यानी एक डायरेक्ट करंट वो होता है जो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करे और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है यानी जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है जनरली ये कॉन्स्टेंट रहता है बट कुछ कुछ केस में हमारे पास एक पलसेटिंग करंट का जब होता है तो उसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है विद टाइम बट जनरली हमारे पास जो डायरेक्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट पाया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन की तो अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन है एंड अल्टरनेटिंग करंट इज़ वन हुज़ मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली मतलब एक अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को कहा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदले समय के साथ और डायरेक्शन जो है वो पीयोडिकली चेंज हो मतलब एक सर्टन पीरियड के बाद में उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और उसके बाद में वो डायरेक्शन अगले सर्टन पीरियड के बाद में उसी निश्चित पीरियड के बाद वो दोबारा से उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है तो इस तरह का जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है यानी जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहे और जिसकी डायरेक्शन पीओडिकली बदलती रहे वो हमारे पास होता है अल्टरनेटिंग करंट अब इनके डिफरेंसेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले पहला डिफरेंस इनके वेव फॉर्म के बेस पर होता है तो वेव फॉर्म के बेस पर अगर हम बात करें तो जो टिपिकल हमारे पास यूज करते हैं हम उन करंट का जो वेव फॉर्म है तो सबसे पहले डीसी का हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वेव फॉर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो अलोंग होती है अलोंग दी टाइम एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड की लाइन होती है हाइट में लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की तो यहाँ पे ये जो साइनोसोइडोलीवेराइन वेव है ये वेव फॉर्म डिनोट करती है अल्टरनेटिंग करंट को तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट के केस में मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के केस में मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता है और एक सर्टेन पीरियड के बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है तो ये पीरियोडिकली चेंज होता रहता है जबकि इसमें कोई भी इसका जो पीरियड है वो इनफाइनाइट है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए इनफाइ जो सर्टन मैग्नीट्यूड है जो निश्चित निश्चित मैग्नीट्यूड है उसके साथ फ्लो करता है नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की तो वो है मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड जैसा कि हमने वेव में डिस्कस किया डीसी करंट के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी करंट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम मतलब टाइम के साथ में डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कभी भी बदलता नहीं है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो हमेशा कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा समय के साथ में जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमने वेवफॉर्म के केस में देखा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन के केस में सो so, जो डायरेक्ट करंट होता है वो डी सी इज़ यूनी डायरेक्शनल दैट मीन्स ऑलवेज फ्लोज़ इन वन डायरेक्शन कि जो डायरेक्ट करंट होता है या डी सी होता है वो यूनी डायरेक्शनल करंट होती है जिसका मतलब ये है कि ये केवल एक दिशा में फ्लो होती है सर्किट में लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट के केस में तो ये बाई डायरेक्शनल होती है दैट मीन्स फ्लोज़ इन फॉरवर्ड एज वेल एज़ इन रिवर्स डायरेक्शन इन सर्किट ये सर्किट के अंदर में दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है फिर आधे साइकिल के बाद में ये क्या करती है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है यानी ये बाई डायरेक्शनल नेचर का करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट अगला अगर हम बात करें डिफरेंस की तो वो है फ्रीक्वेंसी के बेस पर तो फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमारा जो डायरेक्शन डायरेक्ट करंट होता है उसका फ्रिक्वेंसी जीरो होता है लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की तो उसकी एक फाइनाइट फ्रिक्वेंसी होती है एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीकवेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ़ टाइम पीरियड ऑफ द सप्लाई कि कितना टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल होता है फ्रिक्वेंसी बट अल्टरनेटिंग करंट के केस में हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होता है वो फाइनाइट वैल्यू होती है इंडिया में हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का वो 50 हर्ट्ज है और यूएसए सिक्सटी हर्ड्स पर अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करता है तो ये फ्रिक्वेंसी के बेस पर डिफरेंस है डी सी के, के केस में जीरो होगा लेकिन यहाँ पर एक फाइनाइट फ्रिक्वेंसी होता है अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है पोलैरिटी यानी पोल्स डायरेक्ट करंट के केस में दो पोल होते हैं पहले का नाम है पॉजिटिव और दूसरे का नाम है नेगेटिव यानी इसमें पोलैरिटी जो होती है वो पॉजिटिव प्लस और माइनस से डिनोटेड होती है डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की तो अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी को हम दिखाते हैं फेज एंड न्यूट्रल से फेज हमारा लाइव कंडक्टर होता है न्यूट्रल हमारा पो, जीरो पोटेंशियल का कंडक्टर होता है यानी विद रिस्पेक्ट टू फेज ये लो पोटेंशियल का टर्मिनल होता है तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होती है वो फेज एंड न्यूट्रल के टर्म में दी जाती है लेकिन डीसी के केस में प्लस और माइनस टर्मिनल पोलैरिटी यहाँ पे होती है नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन पे कि डीसी के केस में ट्रांसफार्मर का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं दैट मींस ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज विद डीसी डायरेक्ट करंट के साथ में एक ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं किया जा सकता इट कैन नॉट बी यूज विद डी बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू इंक्रीज और रिड्यूस मीन्स डिक्रीज़ द ए वोल्टेज और करंट मतलब जब भी हमें ऑल्टरनेटिंग uh, करंट के वोल्टेज के लेवल को बढ़ाना हो या उसको कम करना हो चाहे हमें करंट की बात करें करंट के वैल्यू को बढ़ाना हो या कम करना हो तो हम ट्रांसफॉर्मर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ में ट्रांसफॉर्मर काम करता है लेकिन डीसी के साथ में एक ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता है नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स सर्किट एलिमेंट्स के केस में हमारे पास डायरेक्ट करंट के केस में केवल रजिस्टर हमारे पास एक ओनली सर्किट एलिमेंट है जो काम करता है डीसी के साथ में क्योंकि हमारे जो कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं वो डीसी के साथ काम नहीं करते क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं लेकिन अगर हम बात करें सर्किट एलिमेंट्स की अल्टरनेटिंग करंट के केस में तो ए के साथ में रजिस्टर भी काम करता है इंडक्टर भी काम करता है और कैपेसिटर भी काम करता है लेकिन डी में केवल रजिस्टर जो होता है वो ही इफेक्टिव होता है इसके साथ कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एलिमेंट देरफोर यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है डीसी के केस में और जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब है हम इनका यूज़ डी के साथ नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें की, तो वो ऑफ तो करंट के केस में वो हमारे पास रजिस्टर के कारण होता है मतलब जो हमारा सर्किट है उसमें जो रजिस्टर है उसके कारण केवल अपोजिशन होगा और इसी अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं डीसी सर्किट का लेकिन अगर हम बात करें एसी के केस में तो ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में जो ओपोजिशन होता है वो आर एल सी रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों के कारण होता है और जिसको इम्पिडेंस कहा जाता है यानी एसी सर्किट में जो करंट की ओपोजिशन है उसको इम्पिडेंस कहते हैं और डीसी सर्किट में क्योंकि जो अपोजिशन है करंट के फ्लो में वो केवल रजिस्टर करता है इसलिए उसको हम रजिस्टेंस कहते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस की तो वो है लोड के केस में तो डीसी करंट के केस में केवल रेजिस्टिव लोड ही होता है लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट या एसी के केस में तो रेजिस्टिव लोड भी होता है इंडक्टिव लोड भी होता है कैपेसिटिव लोड भी होता है तीनों तरह के लोड यहाँ पे वर्क करते हैं तीनों तरह के लोड हमारे पास होते हैं एसी के केस में नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस बात करें सोर्स की कि इनको प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स uh, क्या क्या हैं तो डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट वो या तो डायरेक्ट करंट जनरेटर डीसी जनरेटर से ऑप्टेन किया जाता है या सेल या बैटरी इसका हमारे पास सोर्स है या फिर हमारे पास सोलर सेल इसके uh, सोर्स हैं तो ये कुछ हमारे पास पॉपुलर सोर्स हैं डायरेक्ट करंट को ऑप्टेन करने के लिए लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की तो हमारे पास अल्टरनेटर है इन्वर्टर है ये कुछ हमारे पास बेसिक सोर्सेज हैं जिनका यूज किया जाता है प्रैक्टिस में अल्टरनेटिंग करंट को ऑप्टेन करने के लिए नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस हमारे पास ए और डी में ये है एप्लीकेशन के बेस पर सो so, डी के केस में जो होता है डी इज़ प्रिफरेबली यूज इन फोन्स, टी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होती हैं उनके लिए या सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं उनमें डायरेक्ट करंट से वो ऑपरेट होती हैं यानी उनका यूज़ किया डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसिस को ऑपरेट करने के लिए लेकिन अगर हम बात करें ए का तो ए का जो मेन यूज़ है वो फैंस को रन करने में ए मोटर ए मोटर्स फ्रिज और बाकी जो अपलायंसेज हैं इलेक्ट्रिकल अपलायंसेज उनको रन करने के लिए हम ए का यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं सो so, ये हमारे पास कुछ डिफ्रेंसेज हैं बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट That's all for this video. Thanks for watching.